सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 18 दिसंबर 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। 6000 पदों पर होगी कांस्टेबल पदों की भर्ती छत्तीसगढ़। आज का इतिहास, 18 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। नई रेट को लेकर बड़ी न्यूज, जयपुर, क्या बेरोजगारों की नई है, नई सरकार लगाएगी पार। बेरोजगारों को नई सरकार से रीट का आयोजन करवाने की उम्मीद, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, रीट विज्ञप्ति जारी करो। बेरोजगारों को नई सरकार से रीट का आयोजन करवाने की उम्मीद, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, रीट विज्ञप्ति जारी करो। देश में नंबर 2 पर 15,000 से ज्यादा ट्यूट के साथ कर रहा है ट्रेंड, नई सरकार भजन लाल से उम्मीद, जल्द से जल्द रीट की विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग। नई रीट शिक्षक भर्ती 2023-24। पाली भास्कर ब्रेकिंग न्यूज, विभाग में 5 साल में 56,388 नियुक्तियां दी, 53,608 की डीपीसी, 29,000 अब भी प्रक्रियाधीन। शिक्षा विभाग में 2022 के 90,000 पदों में से 61,000 की नियुक्ति हो सकी है। भाजपा की नई सरकार ने 2.5 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की है मुख्यमंत्री भजन लाल ने। अब भर्तियों को पूरा करने सहित नई भर्तियां निकालने की मांग उठने लगी है। इस बीच जिक्र उन भर्तियों का है जिनमें दूसरे साल तक भी मुकम्मल नियुक्तियां नहीं हो सकी। भास्कर ने पिछले 5 साल की भर्तियां, पदोन्नतियां व प्रक्रियाधीन भर्तियों को विश्लेषण किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग में 5 साल में कितनी नियुक्तियाँ, प्रधानाध्यापक फर्स्ट ग्रेड के 7,167, वरिष्ठ अध्यापक 11,647 और शारीरिक शिक्षक 9,230। डीपीसी के माध्यम से पदोन्नतियाँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये भर्तियाँ प्रक्रियाधीन है। फर्स्ट ग्रेड पद 6,000, भर्ती 2022 मंडल आवंटन हो चुके हैं। सेकंड ग्रेड 9,760, 918 पर मंडल आवंटन हो चुके हैं, बाकी पदों पर नियुक्ति बाकी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, इधर शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती अध्यापक लेवल 1 19,417 और लेवल 2 21,902 पद। आचार संहिता हट चुकी है, अब नई रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती जल्द जारी होगी। शिक्षक भर्ती 6,000 व्याख्याता व 9,000 वरिष्ठ अध्यापकों को 2.5 महीने बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। चयनित अभ्यर्थियों की अक्टूबर में ही हो चुकी है काउंसलिंग। आचार संहिता व विधानसभा चुनाव में रुकी प्रक्रिया। आरएस 2023 मुख्य परीक्षा 27-28 जनवरी को प्रस्तावित है। 19,348 अभ्यर्थी बैठेंगे, अब इसे आगे बढ़ाने की कवायद शुरू। पूर्व शिक्षा मंत्री सराफ ने इस परीक्षा को 3 महीने आगे बढ़वाने के लिए मुख्यमंत्री शर्मा को पत्र लिखा, भजन लाल शर्मा। 498 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन, काउंसलिंग से मिलेंगे विद्यालय। रीट शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड बीकानेर शिक्षा विभाग, दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग। सूचना सहायक भर्ती और सीटेट परीक्षा तिथि टकराई, हजारों अभ्यर्थियों के सामने संकट। राजस्थान विश्वविद्यालय यूजी में अब हिंदी अंग्रेजी विषय के अंक डिवीजन में जुड़ेंगे। 10वीं का सामाजिक विज्ञान व संस्कृत का पेपर वायरल, चूरू अर्धवार्षिक परीक्षा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे या जाएंगे, सरकार को करना है तय। प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश, चयन बोर्ड अध्यक्ष पर लागू नहीं। जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिले में अधिकारी लगाए, संसाधनों की अभी कमी,
नए जिले ही कराएंगे वार्षिक परीक्षाएं, जुटाने होंगे संसाधन। राजस्थान पत्रिका न्यूज अलवर। 5 साल से वितरित नहीं किए लैपटॉप और टैबलेट। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन जल्द। शिक्षा विभाग कई कोर्स में मिलेगी वित्तीय सहायता। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश 25 से। सीबीएसई की परीक्षा में भी डमी कैंडिडेट्स। हॉस्टल वार्डन परीक्षा में पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। अजमेर पहली बार भर्ती परीक्षा। एनसीटी को भेजी सूची में स्कूली अध्यापकों को बता दिया एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर। एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर। शिक्षा विभाग इतिहास व भूगोल के 50 पद भरेंगे। वार्षिक परीक्षा से पहले कोर्स पूरा होगा। चित्तौड़गढ़ आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों को भी जिला आवंटन शुरू। 694 स्कूलों के करीब 1.13 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। शिक्षक परीक्षा करवाइयां आयोजन। परीक्षाओं के पीक टाइम में शिक्षकों को विकसित भारत संकल्प योजना में लगाया। भरतपुर भीलवाड़ा भास्कर न्यूज। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोर्स व परीक्षा पैटर्न में बदलाव। 3S फार्मूले पर आधारित। स्टूडेंट्स स्ट्रेस की फ्री रहकर स्मार्ट स्टडी कर स्किल बेस ये बने। इतिहास भूगोल के 1386 नव चयनित व्याख्याताओं को पोस्टिंग। 6 जनवरी तक करना होगा ज्वाइन। राजस्थान से बाहर की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को पोस्टिंग जांच के बाद देंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 2270 परीक्षार्थियों ने दी सीईटी प्रवेश परीक्षा। पहली बार 265 छात्र है भी शामिल। धौलपुर हॉस्टल वार्डन के 669 पदों के लिए युवाओं ने आजमाई किस्मत। शहर के 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन। सीबीएसई बोर्ड अजमेर। ख्वाजा मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र पर पकड़ा फर्जी अभ्यर्थी। असली अभ्यर्थी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर। आरपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी 2019 के इंटरव्यू का 5वां चरण कल से। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आधारित परीक्षा तिथि में बदलाव की दरकार। शिक्षा विभाग के शिविर अप कैलेंडर में पहले ही 19 और 20 जनवरी को शैक्षिक सम्मेलन तय। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने जताया रोष। नवज्योति न्यूज। आरकेएस एमबी की परीक्षा व शैक्षिक सम्मेलन एक ही दिन। नवज्योति उदयपुर स्पेशल न्यूज़।